मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। बार जो भी आए भूले नहीं भुलाए, वो आत्मा तृप्त होती सुख जन्मों की वो पाए, मात पिता लौकिक जीना सिखा रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। हंसों की मंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती, पवित्र होती शिव बाबा स्वयं माँ के सबको सजा रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। प्रभु प्यार जो है पाते मधुबन के गुण गाते, हीरे तुले संगम के वरदान जो है पाते, भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन।
सभी एकदम रिलैक्स्ड होकर बैठे, शरीर में कोई भी हलचल नहीं। मन बुद्धि एकाग्र, धीरे धीरे अपने संकल्पों को देखने का अभ्यास करते हैं। मैं अभी क्या सोच रहा हूं? जैसे जैसे हम अपने संकल्पों को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे संकल्प एकदम धीरे हो जाते हैं। ऐसा लगे कि कोई संकल्प है ही नहीं। मेरा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब अपने आप को संकल्प दीजिए, मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूं। मैं आत्मा हूं। इस देह की मालिक मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने खुशी की रचता हूं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति मुझ आत्मा में है। मैं अपने संकल्पों की रचता हूं। कौन से संकल्प रचने हैं, इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूं। गुणों का पुंज हूं। शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद और ज्ञान
ये मेरे निजी गुण हैं। मेरी शांति को, मेरी खुशी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आत्मा, अजर, अमर, अविनाशी हूं। मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। यही स्मृति मुझ आत्मा से भय निकाल देती है। मैं निर्भय हूं। जैसे मैं आत्मा हूं, वैसे मेरे परिवार में भी जो भी सदस्य है, या सारे दिन में जिनसे भी मैं मिलता हूं, वो भी आत्मा है, वो भी गुणों का पुंज है। विजुलाइज करें अपने परिवार को और उनके भ्रुकुटी में देखें चमकता हुआ सितारा। और संकल्प करें ये मेरे परिवार के सदस्य सभी शांत स्वरूप आत्मा है। और ये स्मृति हमारे रिश्ते में शांति की वाइब्रेशंस फैला रही है। एक आत्मा अलग है, कोई भी गलत नहीं, सिर्फ अलग। इसीलिए मैं आत्मा भी मेरे संबंध संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा को एक्सेप्ट करता हूं। उनको भी उस आत्मिक स्वरूप में देखता हूं और यही स्मृति हमारे रिश्ते को शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि अब कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस। मैं आत्मा अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में सिर्फ अपने गुणों की स्मृति रखता हूं और उन गुणों को प्रैक्टिकल मिलाता हूं।
कोई भी गुण को अपने स्मृति में लाए और संकल्प करें कि आज मैं आत्मा उस गुण को प्रैक्टिस में लाऊंगा। मेरा सत्य स्वरूप ही ये गुण है। तो आज मुझे उस गुण का दान देना है। मुझे स्वयं खुश रहना है और खुशी बांटनी है। मेरा जीवन, मेरा हर एक रिश्ता खुशी से भरपूर है। ओम शांति।
रिलैक्स्ड होकर बैठे, बाह्य सभी बातों से अपने मन को समेट ले और एकाग्र हो जाए अपने बिंदु स्वरूप स्थिति में। प्रकृति में चमकती हुई मणि, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं इस देह का मालिक हूं, इस देह को चलाने वाली मैं एक शक्ति हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं अकाल मूरत हूं। देखे अपने आप को भ्रुकुटि के अकाल तख्त पर विराजमान एक चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। मैंने ये शरीर सिर्फ कर्म करने के लिए लिया है। पांच हजार वर्ष की यात्रा में मेरा ये अंतिम शरीर है। ये शरीर मुझे स्वयं भगवान ने ईश्वरीय सेवा अर्थ दिया है। लेकिन मेरे कर्मों के हिसाब किताब से इस शरीर में कुछ न कुछ बीमारी होती रहती है। तो आज अपने शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए, उसे ईश्वरीय सेवा अर्थ फिर से तैयार करने के लिए मैं आत्मा अपने प्यारे पिता शिव बाबा का, उसके अविनाशी सर्जन के स्वरूप में आवाहन करता हूं। ओ मेरे बाबा, आपने मुझे ये शरीर सेवा अर्थ दिया है, लेकिन कर्मों के हिसाब किताब से ये थोड़ा कमजोर है, बीमार है। तो मेरे बाबा, आप अविनाशी सर्जन के रूप में
यहां आ जाओ। विजुलाइज करें बाबा परमधाम से नीचे उतर रहे हैं, पहुंच गए सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त ब्रह्मा की भ्रुकुटी में। और फिर दोनों अपनी पवित्रता की लाइट फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं, पहुंच गए मेरे सम्मुख। बाबा की वो पवित्रता की किरणें सारे वायुमंडल को पवित्र बना रही है। बाबा की ये दृष्टि मेरे मन को हल्का कर रही है। मेरी आधी बीमारी तो बाबा की दृष्टि द्वारा, उसके सिर्फ प्रेजेंस द्वारा ही नष्ट हो चुकी है। बाबा को मैं निहार रहा हूं और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहा हूं। अब बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखता है और मुझे वरदान देता है। बच्चे सदा सुखी भव, सदा निरोगी भव। महसूस करें बाबा के हाथ को अपने सिर के ऊपर और बाबा के हाथ से वरदानों की वो शक्ति मुझ आत्मा में समा रही है। मेरा शरीर, मेरा मन निरोगी बन रहा है। सुख से भरपूर हो रहा है। अब बाबा अपने दोनों हाथ मेरे शरीर के उस हिस्से पर रख रहे हैं जहां कुछ न कुछ दर्द है या बीमारी है। बाबा
बाबा के वो पवित्रता की किरणें, उनके दोनों हाथों से शरीर के उस हिस्से में समा रही है मेरा वो दर्द, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। बाबा, मेरा अविनाशी सर्जन सिर्फ अपने पवित्रता की वाइब्रेशंस द्वारा मेरी सर्जरी कर रहा है। महसूस करें परमात्मा की वो पवित्रता की किरणें मेरे शरीर के उस हिस्से को हील कर रही है, एकदम ठीक कर रही है। मेरी वो बीमारी ठीक हो चुकी है। दर्द पूरा गायब हो चुका है। अब बाबा, मुझे दृष्टि देते देते एक सेकंड में पहुंच जाते हैं अपने घर परमधाम। मैं उसका बच्चा, दिव्य आत्मा, अपने इस शरीर के बीमारी से मुक्त हो चुका हूं। मैं निरोगी हूं। अविनाशी सर्जन ने मेरे इस बीमारी को ठीक कर दिया है। यह शरीर अब फिर से एक बार ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार है। मैं बहुत खुश हूं, अपने आप को बहुत हल्का अनुभव कर रहा हूं और मन ही मन अपने अविनाशी सर्जन का धन्यवाद कर रहा हूं। स्वयं भगवान मेरा सर्जन है, वही मुझे चला रहा है। उसी की वजह से
मेरे जीवन में इतनी खुशियां हैं, इसलिए मेरे प्यारे बाबा, मेरा जीवन इतना खुशियों से भरने के लिए हर वक्त हर क्षण मेरा साथ निभाने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
हर